वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कॉन्स्टिपेशन, इसको हिंदी में कब्ज कहते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ज़्यादातर लोग कब्ज से पीड़ित होते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता है कि कब्ज क्या है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कब्ज क्या होती है। अगर आप कब्ज है तो आप अपनी लैट्रिन या स्टूल के शेप या साइज को देख के कैसे पता करेंगे कि आपको कब्ज है, तथा आपको क्या क्या खाना चाहिए। सो दोस्तों, कब्ज के जो 6 लक्षण होते हैं वो इस तरीके से हैं। अगर आप सप्ताह में 3 बार से कम मल त्यागते हैं, मतलब टॉयलेट को जाते हैं, तो सब आपको मल बाहर निकालने में कठिनाई या दर्द महसूस होता है, और मल को बाहर निकालने के लिए किसी दबाव की आवश्यकता होती है। चौथा जो लक्षण है वो इस प्रकार से है कि पेट का पूर्ण रूप से खाली ना होना, या आपको ऐसा लगना कि मैं पूरा पेट खाली नहीं हुआ है। आपको पेट में दर्द महसूस होना, सूजन या गैस बनना, गैस बहुत ज़्यादा लोगों को बनती है, जी मत लाना और भूख में कमी होना। सो दोस्तों, ये जो उसके लक्षण थे। अब आपको अपना स्टूल देख के कैसे पता चलेगा, मतलब आपको लैट्रिन देख के कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है। सो उसके लिए दोस्तों, अगर आपका जो स्टूल है वो उसमें आपको गांठे गांठे से आपको दिखाई देती हैं, अलग अलग कठोर गांठे, तो एक खतरनाक कब्ज होती है। मतलब ये बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन में आता है। और अगर आपको अपना जो स्टूल है गांठदार, उसके साथ में हल्का सा गीला भी दिखाई देता है, तो ये भी एक कब्ज का निशानी है, बट ये इनिशियल स्टेज होती है दोस्तों। सो नॉर्मल कैसा होना चाहिए? नॉर्मल के लिए जो सिलेंड्रिकल शेप है, मतलब बेलनाकार होना चाहिए, उसकी सतह में दरारें हों, या फिर जो सांप जैसा चिकना है, तो दोनों ही तरीके के जो स्टूल्स होते हैं दोस्तों, ये नॉर्मल में आते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर रेशे की कमी होगी तो जो आपका जो स्टूल है वो फटाफटा होगा और स्पष्ट किनारे नहीं होंगे, तथा बूंदे बूंदे के रूप में आएगा। और दस्त की कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि पानी जैसा होगा, या टुकड़े टुकड़े और कटे किनारे होंगे। सो दोस्तों, ये स्टूल अपना देखकर भी आपको पता लग सकता है कि मेरा जो मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है। अगर आपको दोस्तों कॉन्स्टिपेशन है तो क्यों है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन में भी के में जो हार्ड स्टूल हो जाता है, उसके कारण क्या होते हैं? पहला है कि पानी बहुत कम पीना। उसके बाद जो आप डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। आप कोई काम नहीं करते हैं, कोई मेडिसिंस ले रहे हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि उम्र ज़्यादा में भी क्या होता है कि आते सही से काम नहीं करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कुछ मेडिसिंस रहती हैं उनकी वजह से भी होता है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। मेंसुरेशन की एक बहुत की वजह से भी हो सकता है, सर्जरी इसकी वजह से भी दोस्तों हो सकता है, आपके जो स्टूल है वो हार्ड हो जाए। कुछ जो खाने हैं दोस्तों, वो आपके आपको पता नहीं होता, बट वो भी आपके जो स्टूल को टाइट करते हैं। वो कौन से हैं कि मतलब आप मैदे वाली चीज़ें ले रहे हैं, कम फाइबर डाइट ले रहे हैं आप जो है ना बहुत ज़्यादा मीट का कंजप्शन कर रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, या एलर्जिक फूड ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि क्या मतलब मुझे इससे एलर्जी है। ज़्यादातर लोगों में पाया गया कि उनको मिल्क से एलर्जी होती है और वो मिल्क लेते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, पूड़ी, पराठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चा केला आप खा रहे हैं, चॉकलेट ले रहे हैं, या उसके साथ साथ दोस्तों जो प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, ये भी क्योंकि इसमें मैदे की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी आपके स्टूल्स को जो है वो कठोर करते हैं। कुछ मेडिसिंस भी दोस्तों होती हैं जो आपके स्टूल्स को हार्ड करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? आयरन टैबलेट्स होती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, एंटासिड्स हैं। ज़्यादातर लोग गैस के लिए सुबह एंटासिड लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि एंटासिड की वजह से भी स्टूल टाइट हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की मेडिसिंस होती हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव्स की ड्रग्स हैं, दौरे की ड्रग्स हैं, और नार्कोटिक्स, इन मेडिसिन की वजह से भी दोस्तों आपका स्टूल टाइट हो सकता है। कुछ बीमारियों के केसेस में भी जो होता है कि स्टूल टाइट हो जाता है, जैसे नर्वस डिसऑर्डर है, यदि माँ की कोई चोट है, डायबिटीज़ है, गुर्दे की बीमारी है, डिप्रेशन के केसेस हैं, या थायराइड डिसऑर्डर है। सो इन बीमारी के केसेस में भी जो मेडिसिन चलती हैं उनकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों, स्टूल टाइट हो जाता है। अब स्टूल टाइट के एक प्रॉब्लम है, बट इसके साथ दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वो कौन सी समस्याएं दोस्तों होती हैं कि बवासीर, हेमोरॉइड्स की, मतलब आप स्टूल पास करने के लिए आप जोर लगाएंगे तो क्या होगा कि एनल कैनाल के जो अंदर की रीजन है वो छिल जाएगी और वेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से बवासीर हो सकता है। एनल रीजन का जो आउटर लेयर है वो फट सकती है, कट सकती है, जिसकी वजह से एनल फीसर हो जाएगा। फिस्टुला हो सकता है, फिस्टुला के केसेस में क्या होता है कि एनल ओपनिंग के साथ में एक नई ओपनिंग बन जाएगी, जिसमें ऐसे पस या स्टूल पास होने लगा दोस्तों, और आंतों में घाव भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों कैंसर भी हो सकता है।
कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करवा सकते हैं दोस्तों, हो सकता है कि इसकी वजह से, अनीमिया की वजह से हो सकता है, उसके लिए आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। विटामिन B12 टेस्ट की, विटामिन B12 की कमी से और विटामिन डी की कमी से भी कोलोन मूवमेंट जो है वो प्रभावित होता है। उसके साथ में हो सकता है कि आपका लीवर और किडनी सही से काम नहीं कर रहे हों, थायराइड डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, और या हो सकता है कि आपके लीवर में सूजन हो, जिस वजह से भी हो सकता है। सो आप ये कुछ जांचें करवा सकते हैं दोस्तों। जो कॉन्स्टिपेशन है वो घर पर इजीली ठीक किया जा सकता है, उसके लिए ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कौन कौन किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों, तो आप अधिक से अधिक पानी पिए, और ध्यान रहे कि पानी जो है ना वो गर्म पानी आप ज़्यादा लिए, और कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास दोस्तों पानी लें, और खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी लें, 5 मिनट या 10 मिनट पहले, और खाने के दौरान भी दोस्तों पानी लें। इससे क्या होगा कि जो आपका जो भोजन है वो गीला रहेगा, जिससे क्या होगा स्टूल जो आपका टाइट नहीं होगा। उसके साथ दोस्तों ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से आपको बचना है। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स खाना खाने के दौरान लेते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपके स्टूल को और ज़्यादा टाइट कर देगी। आपको जो दूसरा ट्रीटमेंट है दोस्तों, आप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं। हम सभी बात करते हैं फाइबर डाइट की दोस्तों, फाइबर जनरली लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रहता। उसके लिए आप दोस्तों मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि 60% गेहूं ले सकते हैं, और 40% में चना, मटर, बाजरा और मक्का ले सकते हैं। या आप बाहर से मल्टीग्रेन आटा ले भी सकते हैं। उससे बेटर ये होगा कि अगर आपके आसपास में कोई चक्की वगैरह है, तो आप अगर वहाँ से आप आटा पिसवा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा ट्रीटमेंट जो दोस्तों है कि आप जो जितने भी फ्रूट्स हैं और रेशेदार फ्रूट्स हैं, उनको आप पूरे तरीके से पूरा फ्रूट भी खा सकते हैं, या उसको जूसेस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है स्टूल जो है सही से पास होगा दोस्तों। चौथा ट्रीटमेंट दोस्तों यह है कि आप भुना चना भी ले सकते हैं आहार के बाद में। भुना चना में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 20-30 चने आप खाना खाने के बाद रात को ले सकते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में फाइबर को बढ़ाएंगे, जिससे आपको जो स्टूल मूवमेंट होगा वो बेटर होगा दोस्तों। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फाइबर तो ले रहे हैं, बट अगर आप पानी पूरी मात्रा में नहीं लेंगे तो आपके लिए कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो आपको पानी जो है ना पूरी मात्रा में ज़रूर लेना है दोस्तों। मैं एक बार आपको फिर से दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो घरेलू उपचार से पूरी तरीके से ठीक कर की जा सकती है, इसके लिए ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। और इस जो मैंने आपको 4 तरीके बताए, उसके अलावा दूसरे और भी तरीके होते हैं, उनके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ उसको फाइबर के अपने शरीर में मात्रा बढ़ाइए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपना फीडबैक भी दीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो दोस्तों आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। विद दिस थैंक यू एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम।